हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी से मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तीन तरह की मिठाइयाँ हैं। दो मिठाइयाँ जो हैं ऐसी हैं जिसे आप बिना गैस जलाए ही बना सकते हैं, मिनटों में बनके तैयार हो जाती हैं, बहुत ही यमी लगती हैं, बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आती हैं। जो मैंने दो लड्डू आज बनाए हैं, बेसन के लड्डू और गुलाब नारियल के लड्डू, इन्हें आप बिना गैस जलाए बना सकते हैं, मिनटों में बना सकते हैं। और एक है शाही टुकड़ा, ये बहुत ही यमी लगती है, बच्चों और बड़ों की फेवरेट होती है, बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन के लड्डू की बात कर लेते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी देसी घी लिया है, कुछ काजू बादाम को मैंने दरदरा ही पीस लिया है, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, पीसी हुई चीनी ली है। बेसन के लड्डू मैं भुने हुए चने से बनाऊंगी, अनसॉल्टेड भुने हुए चने हैं। इसे मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पाउडर बना लेते हैं, बाउल में से निकाल लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, घी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने काजू बादाम पीस के रखा है, 3 चम्मच। इससे लड्डुओं का टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है, बेसन के लड्डू अच्छे से दानेदार बनते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। 3 चम्मच पीसी हुई चीनी ऐड कर रही हूं। इन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम इसमें देसी घी थोड़ा सा और ऐड करेंगे, लेकिन मिक्सचर बहुत ही अच्छे से बाइंड हो रहा है। हाथों को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे और लड्डू हम बांध लेंगे। आप जिस भी साइज के लड्डू बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, बहुत ही यमी बहुत ही स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बनके तैयार हैं। दूसरा आज मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू गुलाब के साथ, बहुत ही यमी लगते हैं। मैंने 1/4 कप कंडेंस मिल्क लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुलाब शरबत 1 टेबल स्पून। इससे लड्डुओं का कलर बहुत ही अच्छा आता और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा कलर आ गया। 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी गरी का बुरादा, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जरूरत पड़ने पे आप और डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा 1 कप कोकोनट का यूज किया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा लिया है। हमारा मिश्रण रेडी है। हाथों को घी से ग्रीस करके अपने मन चाहे साइज में आप लड्डुओं को बना सकते हैं। लड्डुआ बनाने के बाद हम इसे सूखे गरी के बुरादे में कोट कर लेंगे अच्छे से, और हमारे बहुत ही स्वादिष्ट और यमी गुलाब नारियल लड्डू बनके तैयार हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये जरूर पसंद आएगी। गार्निश करने के लिए मैंने गुलाब के पंखुड़ियों का यूज किया है। तीसरा आज मिठाई जो मैं बना रही हूँ वो है शाही टुकड़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर मिल्क लिया है। इसे हम गाढ़ा होने देंगे जब तक ये आधे से कम न रह जाए। मिल्क थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 कटोरी चीनी। अभी हम इसे और गाढ़ा होने देंगे दूध को। दोस्तों आप देख सकते हैं दूध बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है, बहुत ही कम अमाउंट बचा है और इसका कलर भी चेंज हो गया। गैस बंद कर देते हैं, ठंडा होने पे थोड़ा ये और गाढ़ा होगा। मैंने यहाँ ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट लिया है। डीप फ्राई करेंगे दोनों तरफ से, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने यहाँ थोड़ा सा गहरा बर्तन लिया है, इस पे हम स्लाइस को लगा देंगे जो हमने फ्राई किया है, ब्रेड स्लाइस। उसके बाद जो हमने दूध तैयार किया था इसे हम इस पे चारों तरफ अच्छे से फैला के 1 से 2 घंटे सोक करने के लिए रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। हमारे बहुत ही यमी शाही टुकड़ा बन के तैयार है और गार्निश करने के लिए मैंने फ्रेशली काजू और बादाम का यूज किया है। दोस्तों आपको मेरी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।